हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है स्टूडेंट्स। इस पर कई तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, स्कूलिंग लेवल के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज के पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एग्जिबल है। स्टूडेंट इस प्रकार की जो स्टूडेंट है वो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो स्टूडेंट है जो ट्वेल्थ के बाद में बीटेक एमटेक या फिर जो ओनली बीटेक या फिर एमबीबीएस कोर्स करते हैं वो केवीपीवाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि केवीपीवाई केवल बेसिक जो साइंस कोर्स है जैसे बीएससी है, बीएससी रिसर्च कोर्स है, उनके लिए ही एग्जिबल है, उनके लिए ही मिलती है। बीटेक या फिर जो एमबीबीएस है, इस तरफ के जो प्रोफेशनल कोर्स है उनके लिए नहीं मिलती है ये स्कॉलरशिप। लेकिन आप जो है अगर ऐसा कोर्स कर रहे हो आप इंजीनियरिंग सिलेक्टेड या मेडिकल सिलेक्टेड, तो आप जो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट इसमें हर साल 82,000 स्टूडेंट को चुना जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें 41,000 गर्ल्स होती है और 41,000 इसमें जो है बॉयज होते हैं। फिर ये कैटेगरी वाइज और डिवाइड हो जाते हैं, कोर्सेज वाइज और डिवाइड हो जाते हैं। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका है वो इंस्पायर अवार्ड की तरह है, आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है स्टूडेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आते तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कितना अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपके कोर्सेज पे डिपेंड करता है। जैसे आपका 5 साल का कोर्स है, जैसे बीटेक प्लस एमटेक करते हो या फिर बीटेक प्लस एमबीए करते हो, तो वो बड़ा कोर्स हो गया आपका, तो आपको सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे स्कॉलरशिप में। अगर आपका कोर्स 4 साल का है जैसे बीटेक एमबीबीएस, तो आपको जो है 10,000 रुपये पर सालाना आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यानी कोर्स के जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करते हैं आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव ये भी है कि आपकी जो परिवार की इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, सालाना इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो लगभग सभी स्टूडेंट के लिए एग्जिबल है, सबके जो फैमिली इनकम है वो मिडिल क्लास से है, तो 8 लाख से बिल्कुल कम ही होगी, तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कब से ओपन होंगी, इसका पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो डिफरेंट वीडियो पे आप बने रहे, पूरा देखें कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले आपको गूगल में एनएसपी सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में जो पहला रिजल्ट है उसी को आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है गवर्नमेंट पोर्टल है ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसके नीचे आओगे तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बॉटम मिलेगा, जिसको आप क्लिक करोगे। तो क्लिक करने पर आप नीचे आओगे तो जैसे आप नीचे आओगे तो आपको एक अलग कलर में आपको ये मिल जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें आपको लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब से फॉर्म अप्लाई ओपन होंगे, ये सारा आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नीचे। आप इसकी जो है किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप अगर इस पोर्टल पे नए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इसके लिए ऑप्शन मिल जाएगा और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको ये भी शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में पता चल जाएगा भाई आप इसके लिए एग्जिबल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपका प्रोसेस है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए, एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए। और भी कई तरह की स्कॉलरशिप इस पर अवेलेबल है, स्कूलिंग लेवल के लिए भी हैं और जो है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है उनके लिए भी हैं। स्टूडेंट वीडियो को आप जा सकते, आप जो है ट्वेल्थ के बाद में बेसिक कोर्स नहीं कर रहे हो साइंस से, जैसे बीएससी है, बीएसएमएस है या फिर अन्य रिसर्च कोर्स है, तो आप जो है प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, बीटेक है, बीटेक प्लस एमटेक है, एमबीबीएस है, इस तरह के प्रोफेशनल अगर कोर्स करने जा रहे हो तो आप बिल्कुल जो है केवीपीवाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जो है मैंने जो अभी स्कॉलरशिप बताई है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप स्कॉलरशिप का आप जो है फायदा उठा सकते हो। ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप जो है